हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्लास टेंथ की जो साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, उसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ा था, जो कि चौथी वीडियो थी। आज पाँचवीं है जिसमें हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, ये अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी क्रियाकलाप देखेंगे, इसके प्रयोग देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से, और इसकी परिभाषाएँ उदाहरण सहित हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। देखिए 1.2.2 है वियोजन अभिक्रिया है, इसके पहले संयोजन थी, ठीक है। क्रियाकलाप 1.5 है, यानी 1.5 है। देखते हैं इसमें एक शुष्क कथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए, टुकड़े यानी कि लेना है हमको, किसके फेरस सल्फेट के लेना है। जैसे ये देखिए इसमें दिखाया गया कथन नली में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, ये देखिए यहाँ पे नीचे लिए गए हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए, उसका रंग देखना है किस रंग का है, ठीक है। कथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैम्प की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा चित्र में दिखाया गया, इसको गर्म करना है नीचे से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे गर्म करना है, गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग देखना है आपको, क्या करना है। गर्म करने के बाद फिस्ट क्रिस्टल का क्या देखना है, कलर देखना है, रंग देखना कैसा है, ठीक है। एक बार गर्म करने के पहले देखना है, एक बार गर्म करने के बाद देखना है रंग कैसा है। देखिए कथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी अपनी ओर ना करें, बिल्कुल भी इसको अपनी ओर ना करें, कि उसके से भाप निकलेगी, तो इसको अपनी ओर नहीं करना है, ऐसी जगह ऐसी ओर करना ताकि वो बाहर की ओर निकल सके, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने तथा गंध सूखने की सही विधि है, ठीक है। तो ये चीज इसमें क्रियाकलाप किया गया और बताया गया कि इसमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। चलिए आगे देखते हैं, हमने क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हुआ, यानी कि वो किस में बदल गया, परिवर्तन किस में हुआ, हरे रंग में हुआ। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूख सकते हैं, कोई नुकसानदायक जहरीली गैस नहीं है, ठीक है। यानी क्या हुआ, क्रिस्टल जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल था वो हरे रंग में हो गया गर्म करने से, और दूसरी बात उससे क्या है कि एक गंध यानी कि निकल रही बाहर आती है, उत्पन्न होती है, ठीक है, जो कि जिसे आप सूंघ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसने लिया फेरस सल्फेट, Fe SO4 फेरस सल्फेट का होता है, इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। और उसको क्या किया, उष्मा पर गर्म किया गया, गर्म करना यानी उष्मा देना हो गया, तो किसमें बदल गया, फेरिक ऑक्साइड में, या Fe2O3 यानी ठोस है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 अपन सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहां पे गैस में बदल गया है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें कई तरीके से बदल गया है ये, और ये गैसे हैं, देखिए ये बस ठोस है, ये गैसे निकलती है आपकी, जो कि जैसे सूंघ सकते हैं, कोई जहरीली नहीं है, ठीक है। आप ये तो बैलेंस बनाने के लिए 2 है यहां पे, ठीक है, बैलेंस ताकि बनाया जा सके, क्लियर है। यहां पे देखिए 2 आयरन बन रहा है, तो यहाँ पे 2 आयरन होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डबल लेना है, क्या लेना है, डबल लेना है। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। देखिए एक था, एकल था, कल वाली में हम लोग संयोजन में पढ़े थे 2 या 2 से अधिक अभिकारक थे जो कि जुड़ करके एक एकल उत्पाद बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पे एकल हम लोग अभिकारक ले रहे हैं जो कि कई टुकड़ों में टूट करके कई उत्पाद बना रहा है, यानी कि सेम उल्टा है, ये अपोजिट है, ठीक है। तो एकल अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह है एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, रंग त्याग देता है जो कि भाप के रूप में निकल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बदल गया, ये वियोजित टूट गया, फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 गैसे हैं, ठीक है। यानी कि एकल उत्पाद हमने अभिकारक लिया, तो एकल का मतलब एक हमने अभिकारक लिया क्रिया करने वाले को, जो कि क्रिया करने के बाद कई सारे उत्पाद में टुकड़ों में टूटकर उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो ये वियोजन है, वियोजन का मतलब अपघटित होना, अपघटन होना, टुकड़े होना, तो इसके कई सारे टुकड़े हो रहे थे। जब इस तरह हो, जब एकल उत्पाद लिया जा रहा हो और कई सारे उत्पाद मिल रहे हो, तो आप जान जाइए वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है, कई सारे उद्योग कल कारखानों में होता है इसका उपयोग, तो ये बहुत काम का है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, इसके अनेक उपयोगों से हम एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। उष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं, अगर हम उष्मा के द्वारा उसको वियोजित करते हैं तो उष्मीय वियोजन कहते हैं इसको।
जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे CaCO3 ले लिया है, चूना पत्थर ठीक है, इसको हमने उष्मा दिया था किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया और कार्बन डाइऑक्साइड में बुझा हुआ चूना में बदल गया, बुझा हुआ चूना और ये हुआ आपका CO2 हुआ, और ये चूना पत्थर है। क्या है ये? चूना पत्थर है, सीमेंट बनाने के काम आता है चूना पत्थर ठीक है। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में भी दिखाया गया है, हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं कैसे होता है ठीक है। चलिए 1.6 देखते, एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए, ये लिया इस बार क्या लिया है, लेड नाइट्रेट ले रहा, उस बार क्या लिया था, फेरस सल्फेट लिया था ठीक है। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म करना है, जैसा चित्र में दिखाया गया है गर्म कर रहा ठीक है। आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उसे नोट कर लीजिए, परिवर्तन हुआ हो तो नोट कर लेना है ठीक है। इस बार लेड नाइट्रेट लिया है, उस बार क्या लिया था, फेरस सल्फेट लिया हुआ था। अच्छा देख लेते हैं हम लोग, ये देखिए लेड नाइट्रेट है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस, ये है आपका क्या, आपका लेड नाइट्रेट है ठीक है। लेड यानी कि सीसा, Pb प्लम्बम ठीक है। तापन गर्म किया गया तो किसमें बदल गया आपका, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन में ये टुकड़ों में टूट गया। देखिए एकल हमने अब क्या रख लिया और कई सारे उत्पाद में टूट कर बन गए, ये भी एक वियोजन अपक्रिया है। क्या है, आइए क्रियाकलाप 1.7-1.8 में दी गई कुछ अपघटन क्रियाएँ करें और हम लोग करते हैं ठीक है। ये देखिए 1.7 में भी दी क्या क्रियाकलाप, एक और दे दिया है उसी का उदाहरण बता रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें रबड़ की डाट लगा दीजिए, देखिए छिद्र कर रहा है, रबड़ की डाट लगा रहा, इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, कार्बन का इलेक्ट्रोड, ये जो काली काली है ये कार्बन का इलेक्ट्रोड हो गया जिसे ग्रेफाइड राड भी कहा जा रहा है, जबकि चित्र 1.6 में दिखाया गया है ठीक है। 1.6 चित्र में दिखाया गया है, इस इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए, बैटरी से जोड़ दिया गया, 6 वाट की बैटरी होनी चाहिए ठीक है। मग में इतना जल डाल दीजिए, डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए, देखिए जल डालना है कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब गए, देखिए ब्लैक वाला क्या है, पूरी तरह से डूब गया है ठीक है। जल में तन सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालिए, तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उसमें कुछ बूंदें डालना है इसमें ठीक है, बूंदें डालना है किसकी, तन सल्फ्यूरिक अम्ल की। जल से भरी 2 अंशाकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए, देखिए परख नली इसमें देख रहे हैं, परख नली इसमें उल्टा करके इसमें लगा दिया गया है, ये देखिए परख नली ठीक है बिल्कुल। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर दीजिए और इसको छोड़ दीजिए ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे, ये बुलबुले अंशाकित नली से जल से को विस्थापित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जल से विस्थापित यानी जल को अलग कर रहे हैं। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है, ये भी देखना है, जब दोनों परख नलियां गैस से भर जाएं तो उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लेना है ठीक है। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों को मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए, क्या ये ज्वलनशील है, जलती हैं, सावधानी इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए ठीक है। दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थित है, ये देखना है कि कौन सी गैस इसमें है ठीक है। क्रियाकलाप 1.8 देख रहा, सूर्य का प्रकाश वगैरह कुछ, यहाँ पे चाइना डिश लिया हुआ, सिल्वर क्लोराइड ले रहा ठीक है, चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, इस बार सिल्वर क्लोराइड ले रहा ठीक है। इसका रंग क्या है, इसका चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए क्या बदल गया है। इन क्रियाकलापों को आपको अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, रटना नहीं है, इनको पढ़ना है, क्या लिया गया है और क्या उनसे बना, ये आपको सिखा रहा है, प्रैक्टिकली सिखा रहा है ठीक है। अन्यथा वो डायरेक्ट परिभाषा भी दे सकता है, अन्यथा डायरेक्ट वो उदाहरण भी दे सकता है, इनको आपको पढ़ना है। अगर आपको अच्छे से NCERT समझना है, आपको बुक समझना है, साइंस समझना है, तो आपको ये चीजें सभी कुछ पढ़ना है, सभी कुछ जरूरी होता है, बिना जरूरी के नहीं रहता ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में इसको रख दिया गया है, आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है ठीक है। प्रकाश को उपस्थित सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो गए, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो, और हमने क्या लिया था, सिल्वर क्लोराइड लिया था, तो सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, देख लेते हैं। ये देखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में रखने थे, Ag सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, दोनों गैस बन गए, पहले दोनों क्या थे,
सॉलिड थे, ठीक है, दोनों सॉलिड थे, अब दोनों क्या बन चुके हैं, गैस, यानी एकल हमारा अभिकारक जो है कई सारे उत्पाद में बढ़ चुका है, दो उत्पादों में। अच्छा, AgBr, इसी प्रकार हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया, तो Ag सिल्वर और ब्रोमाइड ब्रोमीन दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब चीज़ें ली जा रही है वियोजन अभिक्रिया में, ठीक है, ये चीज़ें याद करना है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग कर श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग है श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए उपयोग में किया जाता है, तो आप सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए उपयोग होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे दिया गया है, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, हमें या तो ऊष्मा की जरूरत पड़ रही, एक क्रियाकलाप में ऊष्मा बताया गया, एक क्रियाकलाप में प्रकाश से कराया गया, एक में विद्युत ऊर्जा दी गई, 6 वाट की बैटरी लगाई गई जिससे अलग होता है, आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो एक और परिभाषा मिली, इनको आपको टिक कर लेना और नोट कर लेना है, इन सब में ऊष्मा अवशोषित हो रही थी, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा यानी ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा अवशोषित होती उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी, यानी कि ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कल हमने पढ़ा था ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ा था कल, ठीक है। निम्नलिखित क्रियाकलाप करें, यह भी दिया गया है, आपके करने के लिए दिया गया है, अगर आपके पास सुविधा हो तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप इनको केवल पढ़ लीजिए बस, ठीक है, यस। अच्छा, ये आ गया प्रश्नावली, आ गया है, क्या आ गया, प्रश्नावली आ गया है, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया आ रही है, आपकी कई सारी अभिक्रियाएं हैं जो कि आपको देखते रहना है, ये ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया दिया गया है यहाँ पे, देखिए, तो आपको क्या करना है वियोजन में, वियोजन की आपने परिभाषा देखा, वियोजन की अब बहुत सारे एग्जाम्पल सभी वियोजन के हैं और ऊष्मा शोषी के हैं, तो आपको ध्यान रखना वियोजन का साथी कौन है, ऊष्मा शोषी है, तो सभी वियोजन के थे, आपको वियोजन की परिभाषा मिली गई है, जब एकल उत्पाद कई सारे उसमें टूट जाता है, ये देखिए वियोजन आपकी थी यहाँ पे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो भी नाम से आएगी आपको देख लेना है, कर लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक उदाहरण ये दिया गया है, तो इस उदाहरण को पे याद कर सकते हैं, अभियोजन की ये दिया गया है, अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में बढ़ जाना, यानी कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में बढ़ जाता है या विघटित हो जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, और इसके उदाहरण कई सारे, जो भी इसके उदाहरण लेना हो 3-4 उदाहरण है, आप सभी को एक सरल सा या दो कम से कम याद रखना है, आपको दो कम से कम याद रखना है ताकि पेपर में आए तो आपसे एक या दो बन जाए, ठीक है। तो और इनको आपको रीड करते रहना है ताकि आपको जहाँ जहाँ मेन पॉइंट मैंने बताया उनको आपको टिक कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अभी प्रश्नावली आ गया है, प्रश्नावली को हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि प्रश्नावली जो होती है हम लोग अलग वीडियोज में उनको कवर करते हैं ताकि हमें क्या हो कि अच्छे से समझ में आए, ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट अलग और वो वाला अलग रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने ये देख लिया आपका वियोजन अभिक्रिया, अब हम लोग कल देखेंगे विस्थापन, नहीं इसके पहले हम लोग ये क्रियाकलाप जो प्रश्न श्रृंखला है इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे हम लोग, ये जो प्रश्नोत्तर है बहुत ही कम है जिसे हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे और विस्थापन को देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। ताई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो आप दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।